हमारी मैम? बताओ ना, हम आ चुके हैं उज्जैन और ये है। तो दोस्तों हम हैं उज्जैन में, ये देखिए ये है उज्जैन और हमारी कविता मैम पूरा सामान वामान पकड़ के खड़ी हुई है। उज्जैन के रेलवे स्टेशन के बाहर का नज़ारा आप देख सकते हो। तो हम रुके थे इस राधा कृष्ण रात्रि निवास में, बहुत ही अच्छा था, रूम वगैरह बहुत अच्छे थे, साफ सुथरे थे, आप चाहो तो यहाँ आके रुक सकते हो। तो हम रूम में हैं और ये हमारा बेड हम लोग चल रहे हैं अभी मंदिर की ओर। चलिए फिर बाहर का दिखाते हैं आप। मैम अपने माथे पे महाकाल पाते हुए देखिए। अच्छा, इस प्रकार लिखा जाता है, मुझे तो नहीं पता था। जय महाकाल। ये देखिए मैम महाकाल लिखवाते हुए। ये हम शॉप पे खड़े हैं, ये भैया जो है टी शर्ट जो है हमें बोल रहे हैं 150 में देंगे एक एक, अभी पसंद की ओर जा रहे हैं। और यहाँ पर अभी भीड़ भाड़ ज़्यादा है, शायद इस कारण मोबाइल अलाउ नहीं कर रहा है। ये हमारे महाकाल मंदिर में प्रवेश करने का मुख्य द्वार है, यहीं से हम अंदर जाते हैं और इसके अंदर मोबाइल लेना जाना वर्जित है। ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है मान सरोवर भवन श्री महाकालेश्वर मंदिर दर्शन प्रवेश मार्ग, ये है प्रवेश मार्ग और ये दोस्तों ये है उज्जैन का महाकालेश्वर मंदिर, श्री महाकालेश्वर मंदिर परिसर, श्री महाकालेश्वर मोबाइल ले जाना मंदिर है। ये मंदिर का ये नज़ारा देखिए कितना सुंदर। पता नहीं यहाँ लोगों की क्या मान्यता है कि ये पत्थरों को लोग इस प्रकार देखिए
कैसे करके रखे हुए हैं। भारत माता मंदिर महाकालेश्वर भक्त निवास माधव सेवा न्यास उज्जैन। और ये देखिए यहाँ पूरा आप देख सकते हैं कितनी अच्छी लाइटिंग है। अगर आप थक जाते हो तो आप इस गाड़ी पे सफ़र कर सकते हो। यहाँ अगर आते हो उज्जैन में तो ये गाड़ी आपको फैक्ट्री से चलती है आपको घुमा देगी। आपको भारत माता का मंदिर, हम पहली बार भारत माता का मंदिर देख रहे हैं कहीं पे, बहुत ही अच्छा लगा, एकदम शानदार। भारतीय होने का सम्मान पहली बार देख रहे हैं भारत माता का मंदिर। ये है इसकी सीढ़ियाँ और अभी हम आपको दिखाते हैं भारत माता। देखिए ये है हमारी भारत माता। तो हम लोग मंदिर के दर्शन करके बाहर दर्शन करके जस्ट बाहर आए हैं हम लोग। और बाहर आने के बाद में अंदर तो मोबाइल ले जाना अलाउ नहीं था, इसलिए हम बाहर का आपको महाकाल का दिखाते हैं क्या क्या है। आप लोग मेरे एडवेंचर में बने रहें। यार देखिए इतना सुंदर नजारा है, रात का समय है लेकिन जो पीछे पंकज इन सीढ़ियों को देखिए कितना सुंदर लग रहा है। वो हमारी कविता में दिखाई दे रही है। ये रात के समय देखिए क्या नजारा है महाकालेश्वर उज्जैन की मंदिर के, ये फव्वारे वाओ बहुत ही खूबसूरत जिसको बयान नहीं कर सकते। और इतनी मन की शांति मिल रही है ना दोस्तों, यहाँ से घर जाने का मन नहीं कर रहा है, इतना अच्छा लग रहा है। सारे दुख दर्द तकलीफें खत्म सी लग रही है, बहुत ही प्यारा है। देखिए दोस्तों हम अभी भारत माता के मंदिर का दर्शन किए, पहली बार भारत माता के मंदिर का दर्शन किया और पहली बार कहीं पे देखा ऐसा मंदिर, बहुत अच्छा लगा। और यहाँ बहुत ही शांति है, रूम जाने का मन नहीं कर रहा है लेकिन जाना तो पड़ेगा, बहुत थक गए हैं, प्यास भी लगने लगी है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। आज हमने आपको उज्जैन के भारत माता का